हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रेसिपी माय टिप्स। आज हम बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड पुडिंग। तो मैंगो कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए तो पहले तो हम तो को कस्टर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैंने आधा कटोरी शक्कर ली है, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है और आधा लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने बॉईल करने के लिए पहले रख दिया था। और ये बॉईल हो रहा है और थोड़ा सा बॉईल होकर घट चुका है, तो हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। तो हमने जो शक्कर ऐड की है उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही हमारी शक्कर इसमें घुल जाएगी, हम थोड़ा सा दूध कटोरी में अलग से निकाल लेंगे। शक्कर घुल चुकी है अच्छे से, हम अब कटोरी में थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे और बाकी जो बचा दूध है उसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो हमने कटोरी में दूध निकाल दिया है और ये दूध हम कस्टर्ड में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, जिसे हम बाद में दूध में मिक्स करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे दूध में मिक्स करेंगे। और दूध में मिक्स करते वक्त में ध्यान हमें ये देना है कि दूध में जब हम इसे मिक्स करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हमें मिक्स करना है, इकट्ठा मिक्स नहीं करना है। बचा हुआ दूध भी हमने इसमें डाल दिया, उसे भी अच्छे से और पतला कर दिया है, देख सकते हैं बिल्कुल लम्स नहीं है इसमें। अब हम इसे धीरे धीरे ऐड करेंगे। बॉईल हो रहा है दूध, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह मिक्स करने से इसमें लम्स बिल्कुल नहीं आएंगे। ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और अब पूरा डाल देंगे। और जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। ये देखिए इस कदर ठीक हो चुका है, ये हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा देर हम इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे, ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना आए। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है। तो इसे अब हम अलग कर लेंगे गैस से। और जैसे ही ये ठंडा हो जाता है, हम इसमें मैंगो का पल्प डाल देंगे। तो मैंने इसमें लिया है 1 कटोरी मैंगो पल्प, हम इसमें डाल देंगे। और इसमें ये तब डालना है जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने मैंगो पल्प भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे करीब करीब 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रखने के पहले हम इसे 2 बाउल लिए हैं मैंने, इन 2 बाउल्स में हम इसे पहले सेट कर देंगे। तो हमने इसे कटोरी में सेट करने के लिए रख दिया है, तो हम इसे अभी फ्रिज में रखेंगे। और फ्रिज में करीब करीब हम 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो 2 घंटे हो चुके, कस्टर्ड सेट हो चुका है, तो हम इसे डेकोरेट करेंगे। और डेकोरेट करने के लिए मैंने लिया है इसमें आम, पुदीना पत्ती, अंगूर और अनारदाने। तो इसे अब हम डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो अंगूर के स्लाइस कर सकते हैं, या तो आप ब्लैक अंगूर भी जो होते हैं उसे भी स्लाइस करके डालेंगे तो अच्छा लगेगा।
तो रेडी है हमारा मैंगो कस्टर्ड, तो आप इसे ज़रूर बनाइए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।